नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 30 अक्टूबर को नामांकन वापसी का दिन है और अब निर्दलीय के रूप में ताल ठोकने वाले प्रत्याशियों से मान मनुहार का दौर शुरू हो चुका है। दोनों ही प्रमुख पार्टियों की ओर से जहां डैमेज कंट्रोल करने के प्रयास जारी हैं, तो वहीं दूसरी ओर झुंझुनू से राजेंद्र गुड़ा और देवली उनियारा से नरेश मीणा ने इस समय विधानसभा उपचुनाव को काफी रोमांचक बना दिया है। ऐसे में 30 अक्टूबर तक दोनों ही पार्टियां निर्दलीय के रूप में ताल ठोकने वाले उम्मीदवारों को मनाकर नाम वापस लेने को लेकर जोर दे रही है। हालांकि 30 अक्टूबर को नाम वापसी के बाद ही उपचुनाव की पूरी तस्वीर साफ हो सकती है। झुंझुनू सीट पर हो रहा उपचुनाव इस समय सबसे हॉट चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को सीधी टक्कर राजेंद्र गुड़ा से है, तो वहीं अब झुंझुनू का मुस्लिम समुदाय भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला नजर आ रहा है। एक बार फिर से झुंझुनू सीट पर ओला परिवार पर कांग्रेस का भरोसा जताने के बाद मुस्लिम समाज नाराज हो गया है। MD चौबदार द्वारा इस सीट पर टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट ओला परिवार को दिया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। इसी के चलते आज झुंझुनू में एक बड़ी मुस्लिम महापंचायत का आयोजन हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस के विरोध की रणनीति तैयार की गई। ऐसे में झुंझुनू सीट निकालना इस समय कांग्रेस के लिए सबसे मुश्किल काम हो सकता है। प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव देखने के चलते अब दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट के साथ ही लोगों को राहत मिलने लगी है। बीते कुछ दिनों से रात के तापमान में जहां लगातार गिरावट होने के साथ ही सुबह और शाम को गुलाबी सर्दी लोगों को राहत दे रही थी, तो वहीं बीते 48 घंटों में दिन के तापमान में हल्की गिरावट अब लोगों को राहत देने लगी है। हालांकि बाड़मेर और कुछ जिलों में अभी भी दिन का तापमान 35 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज होने की पूरी संभावना है। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के आयोजन को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ी जानकारी साझा की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन नोटिफिकेशन नवंबर के दूसरे सप्ताह में भेज दिया जाएगा। साथ ही नवंबर से लेकर दिसंबर तक पात्रता परीक्षा को लेकर आवेदन लिए जाएंगे। वहीं जनवरी के अंत तक रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि खाली पदों की संख्या और DPC के बाद ही शिक्षक भर्ती के पदों को लेकर फैसला लिया जाएगा। झुंझुनू सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भामू का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजेंद्र भामू के इस वीडियो को अब राजेंद्र गुड़ा ने चुनावी मुद्दा बना दिया है। राजेंद्र गुड़ा ने भाजपा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नोट के बदले वोट खरीदने का काम कर रही है। ऐसे में चुनाव आयोग को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि भाजपा के लोग वोटों की खरीद फरोख कर रहे हैं, इस वीडियो की जांच होनी चाहिए क्योंकि आपराधिक मामला है और राजेंद्र भामू का नामांकन रद्द करना चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक गिरोह के सरगना सुरेश ढाका को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। सरगना सुरेश ढाका के खिलाफ पहले ही कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है। सुरेश ढाका को भगोड़ा घोषित करने के बाद अब इश्तिहार जारी होगा। सुरेश ढाका के खिलाफ यह कार्रवाई उदयपुर के सुखेर थाने में दर्ज मामले पर की गई है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले में उदयपुर के सुखेर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण में पेपर लीक गिरोह का सरगना सुरेश ढाका की पुलिस तलाश कर रही है। पूर्व में 37 पुलिस एक्ट की कार्रवाई की गई थी। SOG की ओर से विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान ने कहा कि पेपर लीक के गिरोह सरगना सुरेश ढाका के खिलाफ 37 एक्ट का वारंट जारी किया गया था। ढाका की तलाश के बाद भी वह नहीं मिला, उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना भी कमी नजर आ रही है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से विभिन्न मंत्रालयों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने के बाद एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के वरिष्ठ निदेशक मनीष शर्मा ने जयपुर में एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान सहमति जताते हुए कहा कि बाल विवाह, बच्चों से बाल बलात्कार और इस पर अपराध के खात्मे के लिए पंचायत से लेकर पुलिस तक सभी हितधारकों के साझा प्रयास की जरूरत है। बच्चों के खिलाफ यह जघन्य अपराध के खात्मे के लिए सरकार के सभी प्रयासों में उनके साथ हैं और उनके साथ मिलकर संभवतः हम 2030 से पहले ही बाल विवाह के खात्मे के लिए जरूरी टिपिंग पॉइंट यानी निर्णायक बिंदु तक पहुंच सकते हैं। राजस्थान BJP प्रदेश मुख्यालय में सक्रिय सदस्यता एवं संगठनात्मक चुनाव प्रदेश कार्यशाला के आयोजन के दौरान BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि भाजपा में टिकट वितरण पर कांग्रेस नेताओं भी मुझे कहते हैं, आपने उपचुनाव में टिकटों का चयन अच्छा किया है। वहीं उन्होंने कहा कि BJP पंच निष्ठाओं की पालना के अनुसार कार्य करती है। अगले प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कहा कि संगठन वर्ष के चुनाव होंगे, अगला अध्यक्ष कौन होगा यह कोई नहीं जानता है। चुनावी तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि निर्वाचन अधिकारी स्वस्थ परंपरा निभाएंगे, BJP राष्ट्रीय निर्वाचन टीम के निर्देशानुसार राज्य में चुनाव लड़ेगी।
अगर आप भी सिम कार्ड ग्राहक हैं तो सभी कंपनी 1 नवंबर से नया नियम लागू करने जा रही हैं, जिसका सीधा असर जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल यूजर्स पर पड़ेगा। इस नियम के लागू होने के बाद ओटीपी मिलने में देरी हो सकती है, इससे मोबाइल यूजर्स को दिक्कत हो सकती है। दरअसल टेलीकॉम नियमों में बदलाव किया गया है। नया नियम 1 नवंबर 2024 से प्रदेश भर में लागू कर दिया जाएगा। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को निर्देश दिया है कि वे 1 नवंबर से मैसेज ट्रेसिबिलिटी लागू करें। देश में 2025 से शुरू होगी जनगणना, संप्रदाय को लेकर भी होगा सवाल। 2028 में पूरा होगा परिसीमन। अभी तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक के शुरुआत में होती आई थी, जैसे 1991, 2001, 2011, मगर अब 2025 के बाद अगली जनगणना 2035, 2045, 2055 में होगी। लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना है। जनगणना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगले साल से जनगणना शुरू होगी। जनगणना 2025 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे टालना पड़ा था। बताया जा रहा है कि अब जनगणना का चक्र भी चलेगा। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।